नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल फ्लेवर्स न्यूज और मैं प्रहलाद संगेलिया। पंजाब का एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो देश की सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। भारतीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर जूम ऐप और कैम स्कैनर के उपयोग पर रोक लगा रखी है। गृह विभाग ने इन्हें देश के लिए खतरा माना है, मगर पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां हर रोज लाखों की तादाद में सरकारी कर्मचारी जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब कुछ आईएएस अधिकारी कृष्ण कुमार के आदेशों पर हो रहा है। यह आईएएस अधिकारी खुद भी सारा दिन जूम ऐप पर हजारों कर्मचारियों के साथ संपर्क में रहता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखकर इस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की है। आईएएस अधिकारी हो और गृह विभाग के देश की सुरक्षा से जुड़े आदेशों को ना माने तो निश्चित तौर पर हमारे देश के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तैयार की जा रही है। जी हां, पंजाब में शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार लगातार प्रतिबंधित जूम ऐप पर मीटिंगों के बाद मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारत सरकार के गृह विभाग ने शेयर इट और कैम स्कैनर जैसी एप्स के साथ साथ 100 से ज्यादा एप्स पर लंबे समय से पाबंदी लगा रखी है। सरकारी कर्मचारियों को जूम ऐप का उपयोग रोकने के लिए गृह विभाग ने 12 अप्रैल 2020 को एक विशेष एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया व्यक्तिगत तौर पर जूम के इस्तेमाल करते समय सरकारी निर्देशों की पालना करनी होगी, लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकारी कामों के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। यही नहीं, इसके बाद भी 16 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी इस बात की पुष्टि की कि जूम ऐप का उपयोग ना किया जाए। बता दें कि सरकार देश की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। एक दिन पहले भी चीन के पबजी समेत 118 एप्स पर भारत सरकार ने रोक लगाई है। सरकार ने जूम और कैम स्कैनर एप्स को असुरक्षित बताते हुए तर्क दिया है कि यह ऐप देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। जूम के प्लेटफॉर्म पर होने वाली चर्चा और मीटिंग के दस्तावेज चोरी हो सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट मयंक कुर्मी ने पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखकर इस हरकत को फौरन रुकवाने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र की एक एक कॉपी भारत सरकार के गृह विभाग, पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह विभाग और मुख्य सचिव को भी भेज दी है। हालांकि यह पत्र 7 अगस्त 2020 को लिखा गया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जूम पर मीटिंगों का दौर अभी भी जारी है। एडवोकेट मयंक खुर्मी ने कहा, जूम की बातचीत लीक हो सकती है, जिसका फायदा हमारे पड़ोसी दुश्मन देश उठा सकते हैं। ताजा हालात के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और नेपाल जैसे देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हमारी सरहदों पर साजिशों का दौर चला हुआ है। मयंक खुर्मी ने कहा, पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है, मगर हमारे राज्य के शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार लॉकडाउन के बाद लगातार जूम ऐप के जरिए राज्य के लाखों शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों, प्रिंसिपलों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा दूसरे कर्मचारियों के साथ लगभग हर रोज कई घंटे तक राज्य स्तर की मीटिंगें करके हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालते आ रहे हैं। शिक्षा सचिव के आदेशों पर हर रोज जिला स्तर पर भी जूम ऐप पर मीटिंगें हो रही हैं। यही नहीं, जूम ऐप पर इंटरव्यू भी की जा रही है। कई बार ऐसे मुद्दों पर बातचीत की जाती है और दस्तावेज साझे किए जाते हैं, जिनके लीक हो जाने से देश के दुश्मन को फायदा हो सकता है। एडवोकेट ने पत्र में यह भी कहा कि कृष्ण कुमार एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, मगर वो देश के गृह विभाग और देश की सुरक्षा और अखंडता से बड़े नहीं हो सकते। भारत सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि सरकारी कर्मचारी किसी भी स्थिति में जूम ऐप का उपयोग नहीं करेगा, मगर क्योंकि कृष्ण कुमार ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लगभग एक महीना गुजर जाने के बाद भी डीजीपी ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। एडवोकेट मयंक खुर्मी ने कहा कि वो अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को उठाएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता ने शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला, शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार, डीपीआई सुखजीत पाल सिंह के साथ कई बार
फोन पर बात करनी चाही, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। बता दें कि शिक्षा सचिव लगातार नियम और कानूनों की उल्लंघना करते नजर आ रहे हैं, मगर ना तो शिक्षा मंत्री उनको रोकने में सक्षम हैं और ना ही मुख्यमंत्री। देखना होगा कि अब राज्य के डीजीपी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करते हैं या फिर उन्हें भी गृह विभाग के आदेशों की पालना ना करने की खुली छूट दे दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल फ्लेवर्स न्यूज़।